Welcome. Welcome to Aulia Council series of Mukalmas and talks again. It is my pleasure to invite Dr. Hafizur Rahman Sahab today from Delhi. As you know, he's an author. He's a former faculty at Jawaharlal Nehru University in Delhi. And his well-known work is Rumi, the Guide and Philosopher. He's also president of the Sufi Peace Foundation in Delhi. He's a prolific columnist and a TV program host. Aur usse zyada Dr. Sahab ki nazar jo hai wo hamare samaji halat ke upar bilkhusus Hindustan ke musalmanon ke upar aur inka jo Sufi mashrab hai वो हम इनसे शेयर करते हैं और हमने सोचा कि इनकी इनकी जो एक्सपर्टीज है एज ए स्कॉलर एंड एज ए समबडी हु इज टेकिंग द वर्क ऑफ सूफीज्म फॉरवर्ड उससे हम इस्तेफादा हासिल करें. तो आज का जो टॉपिक है वो तसव्वुफ की और इस्लाम की जो एक ज़हनी और रूहानी आज़ादी का जो प्रॉमिस है और जो हमने देखा वो उसको इन एक्शन हमने देखा तरह तरह के हमारे औलिया हमारे मशायख सब ने इस चीज को प्रैक्टिस किया. लेकिन हमारी कुछ थोड़ी सी फीलिंग ये है कि उसको जाती लेवल से आगे जो है वो इज्तिमाई लेवल तक बढ़ाया नहीं गया है और उसके ऊपर इतना काम नहीं हो रहा है. तो वो उसका जो एक स्पेक्ट्रम है और उसका जो इज्तिमाई तौर के ऊपर समाजी तौर के ऊपर और हमारी सियासी लेवल के ऊपर जो उसके इम्प्लिकेशंस हैं उससे थोड़ा सा हमें आप डॉक्टर साहब जो है वो इनलाइटन करें. पहली चीज डॉक्टर साहब आपसे जो हम पूछना चाहते हैं वो ये कि ये जो इसका जो आज़ादी का रूहानी और जहनी आज़ादी का जो प्रॉमिस है उसके ऊपर आप हमें थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह आता है इस्लाम और तसव्वुफ के सही प्रैक्टिस से. जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब मुझे इस अहम गुफ्तगू में शामिल करने के लिए. जितने भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबकी खिदमत में मैं अपना सलाम और आदाब पेश करता हूँ. देखिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हम तमामी लोग यानी चाहे उनका ताल्लुक अहले सुन्नत से हो या अहले तशी से हो और किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हो हम नारा तो यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन का लगाते हैं लेकिन अमली एतबार से अगर देखा जाए तो हम उसी निज़ाम मुलूकियत को फॉलो करते हैं जिस निज़ाम मुलूकियत की मुखालफत करते हुए या उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने जाम शहादत करबला की सरजमीन होश किया. क्योंकि आज बेशतर जो मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाली हुकूमतें हैं चाहे वो किसी भी सतह पर काम कर रही उनमें मुलूकियत और मौरूसियत का निज़ाम पाया जाता है. अगर कोई हमारा फोर फादर किसी इदारे को कायम करता है तो वो ये चाहता है कि नस्लन बादा नस्लिन उनकी नस्लें ही उस पर राज करती है. इस तरह चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बड़े इदारे हों चाहे मिडिल ईस्ट में चलने वाली हुकूमतें हों इस्लाम के नाम पर चलने वाली हुकूमतें हों इसलिए कि इस्लाम में कहीं मुलूकियत की इजाज़त नहीं है शहनशाहियत की इजाज़त नहीं है लेकिन इसके बावजूद जो वो नॉमिनेशन है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं. तो मुझे इस बात का यकीन होता है कि हम भले नारा अपने अपनी रूहानी तस्कीन के लिए इमाम हुसैन का लगाते हों या अहले बैत अतहार का लगाते हों लेकिन अमली एतबार से हम हुसैन के साथ नहीं बल्कि यजीदी मुलूकियत के साथ हैं क्योंकि हमारे ज्यादातर निजाम में मुलूकियत पाई जाती है. आपने बजा फरमाया डॉक्टर साहब और आपसे जब पहले पिछले हफ्ते बात हो रही थी
तो आपने ये भी फरमाया कि ये मुलुकियत जो है ये सिर्फ सियासी लेवल के ऊपर नहीं होती, बल्कि ये हमारे समाज के हर लेवल के ऊपर होती है। जैसे आपने एक वो ताकत का इस्तेमाल जो है वो रूहानी तौर के ऊपर, सियासी तौर के ऊपर, हर तरह से हो रहा है। जी बेशक, ये सिर्फ सियासी एतबार से नहीं है, बल्कि जहां सियासी एतबार से है वो हमें नजर आती है, बल्कि हमारे जितने भी आप मदारिस इस्लामिया देखेंगे, हमारी बेशतर खानकाहें देखेंगे, मैं कुछ दरगाहों और खानकाहों को इससे बाहर इसलिए रखता हूँ कि जिन लोगों के आबो अजदाद के मज़ारात हैं उनको तो ये हक है कि वो उसके कस्टोडियन हों और उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं अगर उनके अंदर एलिजिबिलिटी है। ऐसे भी बहुत सारे घराने हैं जो उसके लिए बखूबी एलिजिबल हैं और वो अपने आबो अजदाद की जो छूटी हुई मीरास है उस मीरास को आगे बढ़ाने का, उस निज़ाम को आगे बढ़ाने का बहुसन खूबी काम अंजाम दे रहे हैं। और उनकी नज़र जाहिर है कि वहाँ पर आने वाले लोगों के पॉकेट्स पर नहीं है, इसलिए माशियात से वो लोग मुबर्रा हैं। इसलिए इस तरह की जो खानकाहें हैं उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े बड़े इदारे कायम किए हैं, अच्छे स्कूल्स कायम किए हैं, किसी ने अच्छा हॉस्पिटल बनाया है, किसी ने अच्छा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन बनाया है, किसी ने अच्छा कॉलेज बनाया है, और कुछ जगहों पर यानी यूनिवर्सिटी भी बनाई गई हैं कश्मीर के अंदर और गुलबर्गा के अंदर। ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि उन खानकाहों के जरिए से एक जगह बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी बनी है तो एक जगह बंदे नवाज गेसुदराज यूनिवर्सिटी बनी है। इसी तरह नागपुर के अंदर बाबा ताजुद्दीन के यहाँ पर बहुत ही आलीशान इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद है, तो मारेरा शरीफ की खानकाह के जरिए सिलसिला कादरिया की हम अलीगढ़ में देखते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद सबसे बड़ा इदारा कोई वजूद में आया तो वो अल बरकात की शक्ल में मौजूद है। तो इस तरह की भी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं जहाँ तालीम याफ्ता हजरात के हाथों में खानकाही निज़ाम है और वो लोग रोशन फिक्र हैं या विजनरी हैं, तो उन्होंने उस निज़ाम को और आगे बढ़ाने के लिए इदारा साजी के काम किए हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिफाए आम का काम किया है और मेयारी तालीमी निज़ाम हेल्थ को अच्छा करने के लिए अवेयरनेस शुरू किए। लेकिन ज़्यादातर हमारे इदारों का हाल ये है कि 50 साल पहले या 100 साल पहले भी अगर कोई इदारा वजूद में आया है तो उस इदारे को नस्लन बादा नस्लन एक किसी पर्टिकुलर खानदान के लोग ही लीड करते हुए आते हैं, चाहे उनके अंदर सलाहियत हो या उनके अंदर ना हो, लेकिन उनके सर पे, किसी के सर पे मुफ्ती वक्त का ताज बांधा जाता है तो किसी को कोई खिताब दिया जाता है, किसी को कोई खिताब दिया जाता है। और इल्मी मैदान में या फिक्री मैदान में जाहिर है कि वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते कि समाज को 21वीं सदी में कोई नया नजरिया दे सकें या समाज को वो दे सकें जो अपने ज़माने में उनके बुजुर्गों ने दिया, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने अपने ज़माने में वो दिया जिसकी उस वक्त रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनकी नस्लें जो विरासत के निज़ाम पर चल रही हैं वो आज के समाज को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ें नहीं दे पा रही हैं जो दी जानी चाहिए। इसी तरह का हाल हमारी तंजीमों का भी है। यकीनन वो तमाम मिली तंजीमें जो हमारे मुस्तकबिल शनास लोगों ने कायम की थी, उनका मकसद बहुत बड़ा था कि वो मिल्लत इस्लामिया की अपने मुल्क और अपने समाज की खिदमत करें, लेकिन इसके बावजूद वो तंजीमें भी आगे बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं उनमें डिक्टेटरशिप आ जाती है और वो किसी ना किसी एक शख्सियत की या एक किसी खानवादे की प्रॉपर्टी बन जाता है। ये तो साहब आप देखिए कतकलामी माफ, ये तो बिल्कुल उस तसव्वुफ के जो जिसके सब ये प्रचार करते हैं जिनके आपने जिनकी तरफ आप पॉइंट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल तसव्वुफ की जो रूहानी और ज़हनी आज़ादी है उसके खिलाफ है। इसमें तो एक ठेकेदारी और इजाजतदारी नजर आ रही है हमें जैसे आप बता रहे हैं।
जी बिल्कुल 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 बेशक बिल्कुल। तसव्वुफ तो वो है कि मैं यहाँ पर मौलाना जलालुद्दीन रूमी का एक कोटेशन ये देना चाहूंगा कि एक जगह वो इरशाद फरमाते हैं कि सूफीज्म इज नथिंग एक्सेप्ट दी फॉलोइंग फुट स्टेप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड कुरान, यानी जो असल तसव्वुफ है वो इस्लाम की ही अमली तफसीर है। कुरान और हदीस तरीक़ा है रिसाला तरीक़ा है अहले बैत तरीक़ा है सहाबा किराम, और जो कुरान और हदीस से वाज़े है उसको फॉलो करने का नाम जो है वो तसव्वुफ। दूसरी जगह वो लिखते हैं क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है तो रोजे के हवाले से मुझे उनका एक बेहतरीन कोटेशन याद आ रहा है। वो कहते हैं कि देयर इज थ्री टाइप ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग ऑफ ले जो नॉर्मली तमाम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम डॉन टू डस्क के अर्ली मॉर्निंग से लेके और शाम तक, यानी सुबह सादिक से लेके और शाम तक बिना खाए पिए रहना, और शाम को सुबह को सहरी करना और शाम को अफ्तार करना, ये नॉर्मल लोगों का रोजा। दूसरा वो कहते हैं कि फास्टिंग ऑफ एलीट कि जिसमें बहुत जरूरत के हिसाब से मुख्तसर खाना और अपनी नजरों को अपने जो लवाजिमात हैं रोजे के उसके साथ पूरे तौर से उसको पूरा करना, यानी अपनी नजरों को कंट्रोल रखना, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना, और इफ्तार में अच्छा इंतजाम करना, खुद भी खाना और दूसरे लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और तीसरा वो कहते हैं कि फास्टिंग ऑफ एलीट ऑफ एलीट, और फास्टिंग ऑफ एलीट ये है कि गिव अप एवरीथिंग एक्सेप्ट गॉड, और वो कहते हैं कि मैं उस फास्टिंग ऑफ एलीट को ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए, यानी एक खजूर चूसने के बाद या एक खजूर खाकर सहरी कर लेना और इसी तरह बहुत मुख्तसर सा इफ्तार कर लेना और जो भी कुछ है वो मखलूक खुदा के रास्ते में लुटा देना और उस पर और बाकी अपने आप को अल्लाह अल्लाह के लिए वक्फ कर दे। तो सूफिया इकराम ने जो तसव्वुफ के मराहिल बयान किए हैं और सूफिया इकराम इस चीज से जो गुजरे हैं उसकी एक मिसाल हजरते बहलूल दाना से भी दी जा सकती है कि वो बहलूल दाना जो बगदाद की सरजमीन पे किसी जगह रेत पर घिरौंदे बनाकर खेल रहे हैं और वहां से जब मलका बगदाद जुबैदा हारून रशीद की बीवी गुजरती हैं और वो पूछती हैं उन बुजुर्ग से कि आप ये क्या बना रहे हैं, तो कहा कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। कहा आप ये महल बनाते ही हैं या बेचते भी हैं? कहा हाँ हम बेच भी देते हैं। तो बोले एक की कीमत कितनी है? कि 1 दिरहम। उन्होंने मलका बगदाद ने उनको 1 दिरहम अदा किया और वो चली गई, और उन्होंने जाके जब अपने शौहर से इस वाकये को बयान किया तो उस पर हारून रशीद हंसे और बोले तुम कैसी बात करती हो, कहाँ जन्नत के महल और कहाँ ये रेत के घरों। मलका बगदाद जुबैदा चूंकि एक काइंड हार्टेड खातून थी उनके जहन में ये था कि वो इसी बहाने से अल्लाह के वली की कुछ खिदमत कर रहे, लिहाजा रात को ख्वाब में हारून रशीद देखते हैं कि जन्नत के नज़ारे उनके सामने हैं और जन्नती महलात सामने हैं और एक महल पे खूबसूरत से लिखा हुआ है कि इस महल की मालिक मलका बगदाद जुबैदा है। उन्होंने उसमें दाखिल होने की कोशिश की तो उसके दरवाजे पर रोक दिए गए कि भाई ये दुनिया नहीं है कि बीवी की हर चीज का शोहर मालिक है, ये आखिरत है जिसकी मिल्कियत है वही इसमें दाखिल होती है। सुबह जैसे ही उनकी आंख खुलती है तुरंत अपनी बेगम से कहते हैं कि मुझे उस फकीर के पास ले चला। उन्हें तलाशा तो वो उस जगह नहीं थे लेकिन किसी और जगह घिरौंदे बना रहे थे। वहां जब पहुंचे और हारून रशीद ने कहा कि क्या आप बेचेंगे भी? कहा हाँ बेच देंगे। कि कितनी कीमत है? कि 100 दिरहम। तो हारून रशीद ने कहा कि कल ही तो आपने हमारी बीवी को 1 दिरहम में बेचा है। बोले उन्होंने बेदेखे खरीदा था, हम दिखाने के बाद नहीं बेचते हैं, और वो उन घिरौंदों को मिसवार करके आगे बढ़ जाए। तो इसी तरह रूमी और शम्स तबरेज़ का वाकया है जिसके लिए रूमी कहते हैं कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी ना को, यानी जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में सोक्रेटिस से मिलने के बाद प्लेटो प्लेटो बनते हैं, जिस तरह शम्स तबरेज़ से मिलने के बाद उनकी गाइडेंस और उनकी नजर इनायत पढ़ने के बाद रूमी रूमी बनते हैं, जिस तरह उस्मान हरवानी की नजर पड़ने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बन जाते हैं, जिस तरह निजामुद्दीन औलिया की नजर पड़ने के बाद हजरत अमीर खुसरो
एक अजीम शायर सूफी और फिलोसफर बन जाते हैं। तो ये एक निज़ाम है कि ये जो सूफिया इकराम थे ये अपना वारिस किसी को अपने नसबनामे की बुनियाद पर, अपनी नस्ल की बुनियाद पर, अपने जेनेटिक रिलेशन की बुनियाद पर, अपनी किसी सबकास्ट की बुनियाद पर या अपनी किसी रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं बनते, बल्कि इनके दरबार में जो मुतलाशी आता था, जो लिबरेटेड इंसान आता था, जो फिक्री आज़ादी चाहता था, जो रूहानी आज़ादी चाहता था, जो अपने आप को गुम कर देना चाहता था, जो अपने आप को पहचानना चाहता था, जिसके लिए हुक्म है कि मन आराफा नफ्सहू फकद आराफा रब्बा, यानी इकबाल ने भी कहा है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो जो अपनी तलाश में, अपनी जुस्तजू में, क्योंकि तसव्वुफ अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है और अपना रिश्ता अल्लाह से इतना मजबूत कर देना है कि खौफ इलाही के अलावा कोई दूसरा खौफ आपके जहन को मुतासर ना कर सके, आपके जहन में ना आ सके, ना दुनिया के इख्तदार का खौफ हो, ना दुनिया की हुकूमतों का खौफ हो, ना दुनिया की किसी ताकत का खौफ हो, बल्कि अगर खौफ हो आपके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ खौफ इलाही हो। और वो आज के जमाने में लोगों के नाम के साथ सूफी लगा हुआ है, लोग तसव्वुफ के यानी सूफी स्कॉलर तो हो सकते हैं लेकिन सूफी जिसके लिए कहा गया है वो बहुत दूर की कौड़ी है। और आज अगर ऐसे लोग हैं कहीं तो वो बहुत नदारद हैं, वो अपनी ब्रांडिंग करते हुए, वो अपनी तशहीर के लिए काम करते हुए, और वो हमें सोशल मीडिया के हवाले से या वो हमें अपने ऊपर किताबें लिखवाते हुए नजर नहीं आएंगे, इसलिए कि सूफी तो जिस जगह बैठ जाता है वहीं चश्मे उबल आते हैं। अगर वो अजमेर की सरजमीन पर बैठ जाए तो आना सागर उसके कदमों में आ जाए, अगर वो अपनी खड़ाऊं हवा में लहराते तो जो भी जापाल जो है वो जमीन पे आ जाए और अब्दुल्ला बन जाए, तो वो जमुना के किनारे बैठ जाए तो निजामुद्दीन औलिया बन जाए। तो ये बुनियादी चीज है कि तसव्वुफ इंसान को वो आज़ादी दिलाता है, और वो आज़ादी उस वक्त ही होती है जब बंदा कम्प्लीटली सरेंडर कर देता है अल्लाह के सामने जो मकसद है, तो फिर उसे खौफ इलाही के अलावा किसी का खौफ है, और फिर अल्लाह उसका ऐसा मुआविन व मददगार बन जाता है कि ये तो कुरान में कहा गया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो औलिया इकराम हैं, यानी मैं उनकी जबान बन जाता हूँ जिनसे वो बोलते हैं, मैं उनकी आंखें बन जाता हूँ जिनसे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनते हैं, मैं उनके दस्तोपा बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं। डॉक्टर साहब तो ये बताइए कि ये जो आजादी है जो अल्लाह से करीब होके और जो आती है इंसान के अंदर, इसको हमारे यहाँ इज्तिमाई लेवल तक कैसे लेके जाया जाए, इसका एक्सप्रेशन जो है for the common good, right? Not of just Muslims, but the common good of humanity, वो किस तरह हो? देखिए जो तसव्वुफ है basically तो ये इस्लाम का फलसफा है कि जो मिसापे मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला एग्रीमेंट जो मिसापे मदीना है वो इस पर बहुत वाज़े है कि आपको किसी से भी कास्ट, क्रीड, जेंडर की बुनियाद पर कोई सुपीरियरिटी, कोई कम्प्लेक्स या किसी के साथ इनजस्टिस की कोई इजाजत, वो भी डिक्टेटरशिप में आ जाता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द माइंड जी, आप एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल आर इक्वल, तो उस इक्वलिटी की बात की। मौला अली ने इसको फर्दर आगे बढ़ाया कि जब हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का निज़ाम हुकूमत आया और उन्होंने अपने जब गवर्नर्स अपॉइंट किए तो उन गवर्नर्स को खास तौर से नसीहत की कि देखिए आपकी दो जिम्मेदारियां, आप बहैसियत गवर्नर लोगों के ऊपर हम कस्टोडियन बनाकर भेज रहे हैं, आप जो हैं वो लोगों के ऊपर डिक्टेटर नहीं हैं, और ये ख्याल रखें कि आपके एक ईमानी भाई हैं और एक वतनी भाई, आप दोनों में किसी के साथ कराबतदारी की बुनियाद पर या मजहब की बुनियाद पर
कोई इनजस्टिस नहीं करेंगे बल्कि सबके साथ एक एक जस्टिस आपको कायम रखना है, इसलिए कि आपके ऊपर खलीफा हाकिम है, आप लोगों पर हाकिम है, और आपके ऊपर खलीफा हाकिम है और खलीफा के ऊपर अल्लाह हाकिम, इसलिए वहां इसका फैसला हो। इसी तरह जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की से ही बुनियादी एतबार से जिस फलसफा वहदतुल वजूद यानी वननेस ऑफ बीइंग जिसके लिए जिसके ब्रांड एम्बेसडर इब्ने अरबी कहे जाते हैं, और इब्ने अरबी के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी, और हिंदुस्तान में कु अली शाह पलंदर या समा शहीद या मोहिबुल्ला शाह इलाहाबादी, इस तरह के बुजुर्गों ने जिसकी बहुत मजबूती के साथ एडवोकेसी की, वो फलसफा भी इमाम हुसैन की एक तहरीर से वादे होता है, और इमाम हुसैन ने सबसे पहले उस फिलोसफी को डिस्कवर किया, और शायद यही सबब है कि जो इमाम हुसैन की शख्सियत है या मौला अली की शख्सियत है, आज देखिए कि तमाम खानकाहों में न सिर्फ उनके नाम की कव्वाली और कलाम गाए जाते हैं या अली अलमदद के नारे लगाए जाते हैं, बल्कि या अली अलमदद के नारे लगाने वाले लोग सिर्फ शिया या तसव्वुफ में यकीन रखने वाले सुन्नी या सिर्फ मुसलमानों तक ये नारा महदूद नहीं है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में तो एक तबका हुसैनी ब्रह्मन्स का है जो अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार मानता है और अपने आप को उनके साथ एसोसिएट करता है। और बुअली और मौला अली के बारे में यानी दमादम मस्त कलंदर जैसा मारूफ कलाम कि आपको चाहे आप फोक सिंगिंग में चले जाएं या किसी भी जगह पर चले जाएं, जितनी पजीराई इस सॉन्ग की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमने होती देखी है, या जिस तरह मौला अली को और इमाम हुसैन को लोग उसी तरह खराज अकीदत पेश करते हैं कि जिस तरह अपने और बेगाने तमाम स्कॉलर्स ने सीरत रसूल पर किताबें लिखी हैं, जो शोरा रहे हैं उन्होंने नाते रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखी है, इसी तरीके से हजरत मौला अली की शान में और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में खराज अकीदत लोगों ने इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर एंड रिलीजन पेश किया। ये दर्शाता है कि जिस फलसफे में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो शख्सियात काइंड होती हैं, नर्म होती हैं, या जो आवाजें जिनके अंदर सेक्रीफाइस का जज्बा होता है, या जो डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाजें बुलंद होती हैं, या शरीयत में तबीयत करने वालों के खिलाफ जो आवाजें उठती हैं, वो आवाजें वक्ती तौर पे भले ये लग जाए कि वक्त का कोई यजीद उनकी शहादत के बाद जीत गया हो, लेकिन वो ताकत हमेशा हमेश के लिए हार जाती है, और जो सब्र है वो हमेशा हमेश के लिए जीत जाता है। यही निज़ाम वहीं से खानकाहियत का जो सिलसिला है वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ता है कि जिस तरह चारों सलासिल के जो हमारे चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोहरावर्दिया जो बुजुर्ग हैं उनके सारे सलासिल हजरत मौला अली के हसन और हुसैन और हजरत मौला अली के वास्ते से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचते हैं। इसी तरीके से करबला की बैटल के बाद इस्लाम दो तरीके से चला, एक तो वो लोग थे जिन्हें हुकूमत और ताकत की जरूरत थी, वो जंगो जिदाल की दुनिया में और हुकूमतें हासिल करने के लिए ताकत को कलेक्ट करने में जुड़े रहे, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये तय किया कि उन्हें सिर्फ रूहानी सरपरस्ती करनी है, इल्मी सरपरस्ती करनी है, इसलिए उन्होंने अपना जो पूरा दायरा है वो रूहानियत इल्मियत और इस सब की तरफ अपने आप को मरकूज रखा। और हमने ज्यादातर ये देखा है दिपुस्ता की तारीख में भी या जिन खानकाहों की या जिन बुजुर्गों का जिक्र आया है गुफ्तगू में, हम की तारीख पढ़ते हैं कि उन्होंने कभी अरबाब इख्तदार के सामने ना अपना सर खम किया, ना अरबाब इख्तदार की बारगाहों में चक्कर लगाए, ना किसी ओहदे की तलब की, बल्कि जहां बैठे जिस जंगल में उसको मंगल बना दिया और अपनी चटाइयों पर बैठे हुए अपनी खानकाहों पर बैठे हुए मखलूक खुदा की सेवा इस तरीके से करते रहे कि उन्होंने अपने दरबार में आने वाले की कभी
हैसियत नहीं नापने की कोशिश की, कभी उसका मजहब जज नहीं किया, कभी उसका किरदार जज नहीं किया, ना हसब और नसब कुछ क्या नहीं। जो भी आया उसको उन्होंने जो है वो नवाजा अपनी हॉस्पिसेस, अपनी खानकाहों के दरवाजे तमाम लोगों के लिए जो है वो ओपन रखे, जिसके लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं कि कम कम हो वर यू आर, यानी वर्शिपर, वंडरर और आइडियल वर्शिपर और फायर वर्शिपर, आप जो भी हो, इवन आपका दिल कितनी ही मर्तबा टूटा हो, आप जो भी हैं आप हमारे पास आए और आने के बाद यहाँ पर हमारे पास आपको सुकून मिलेगा, हम आपको लिबरेट करने की कोशिश करेंगे। और वो इंसान के दिल को बहुत अहमियत है, एक दिल बेहतर हजारा काबे, यानी वो कहते हैं कि काबा तो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए बनाया गया है, जबकि जो दिल है वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है इंसान का, और दिल के अंदर खुदा रहता है, इसलिए दिल किसी इंसान का जो है वो ना टूटने का। और इस पर अलग अलग तरह से सूफिया इकराम ने इजहार ख्याल किया है, किसी ने कहा मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे, बस किसी का दिल मत तोड़, क्योंकि दिल के बीच जो है वो खुदा रहता है, बाबा बुल्ले शाह ने भी, बाबा शाह जहीन ताजी ने भी, और जो सूफी पोएट गुजरे हैं उन्होंने भी, और सूफिया इकराम भी इंसान के दिल पर नजर डाला करते, उनके यहाँ पर जब कोई भी आता था, आज लोग आने वाले के कपड़े देखते हैं, उसका ओहदा देखते हैं, उसकी जेब और पॉकेट का साइज देखते हैं, उसके जाहो जलाल को देखकर मुतासर होते हैं, लेकिन ये लोग आने वाले का दिल देखा करते थे कि वो किस नियत और किस दिल से आया है, और उसके दिल पर नजर डाला करते थे और दिल की दुनिया बदल दिया करते। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो मुंजमद हो गई है ये फिक्र, लेकिन एक तो बादशाहत आ गई, इमाम हुसैन तो पहले थे हिस्ट्री में, शायद हमें नहीं पता इतना, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो सबसे पहले मुलुकियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले और हक के लिए आवाज उठाने वाले इमाम हुसैन ही थे, द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स, जैसे कि अंग्रेज हिस्टोरियंस ने लिखा है। तो ये सोच जो है, अगर ये चलती रहती और वो बादशाहत का सारा जो सिस्टम है, जो 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 वो मुसलमान तो थे, लेकिन अगर आप जैसे अपने आप को बादशाह डिक्लेयर करते हैं तो आप शायद इस्लाम के 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 अगेंस्ट आप वो काम कर रहे होते हैं। तो वो ये सोच जो है ये कब खत्म हुई, और अब इसको जो है अपने हर लेवल के ऊपर, एक समाजी लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल से आगे ले जाके ग्रुप लेवल के ऊपर हम इसको कैसे इन एक्शन कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाफे मदीना, वो अपने आप में इतना वाइबल और इतना कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन है हर अहद के मुसलमानों के लिए, जिसमें मसावी हुकूक की बात की गई है, जिसमें बिलीवर्स और नॉन बिलीवर के बीच रिलेशनशिप को कैसे रखा जाए, और जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की गई है। आज जगह जगह ये सवालात उठते हैं, खासकर हिंदुस्तान में ये सवालात आम तौर से मुसलमानों के हवाले से उठते हैं कि शायद मुसलमान अपने मजहब के ताल्लुक से तो वफादार हैं, जब कोई रिलीजियस चीज़ आती है तो उस पर बहुत एग्रेसिवली वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन शायद मुल्क के ताल्लुक से इतने वफादार नहीं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर मैसेज है कि कुल वतन मिनल ईमान, के वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। लेकिन जाहिर है कि हम जिस तरीके से मुल्की मामलात में रिएक्ट करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, कि जब अहले वतन मिलके कोई आंदोलन चलाते होते हैं उसमें हमारी क़यादतें उस ताकत के साथ शरीक नहीं होती जिस ताकत के साथ शरीक होना चाहिए। जिस तरह साहब पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, तरह तरह के सियासी माज बनाए हुए हैं और इस्लाम के नाम के ऊपर तरह तरह की हरकत हो रही है, लेकिन मुल्क के इंटरेस्ट में जब भी होता है ना, तो कभी पाकिस्तान में मुल्क के इंटरेस्ट में आज तक कोई नहीं करता। इस्लाम जो है वो उस हमारे इंटरेस्ट के लिए, सबके इंटरेस्ट के लिए, उन्होंने वहां पे अपने साइलोज बनाए हुए हैं, अपने माज बनाए हुए हैं। जो 1857 से 1947 तक तमाम कम्युनिटीज जिस तरह यूनिटी के साथ अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, इसी तरह अब चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या और दूसरे खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हाल तो ऐसा ही है कि यहाँ हुकूमती सतह पर
जो मामलात आते हैं उसको लोग समझते हैं कि ये काम सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का है, जबकि मजहबी जब कोई बात आती है तो लोग ऐसे एग्रेसिव और इस तरह के नजरियात देते हैं कि चाहे वो ब्लैस्फेमी के बारे में उनको रिएक्ट करना हो, चाहे और दूसरे चीजों में, कि आपका जो रिएक्शन है वो किसी एक टेररिज्म को काउंटर करने के लिए दूसरा एक टेररिज्म के रूप में आता है, जबकि जो सूफिया इकराम का तरीका था जी या जो इस्लामी तरीका है वो नफरत का जवाब नफरत नहीं है, बल्कि नफरत का जवाब जो है वो मोहब्बत है। इसी तरह वो एक जंग का वाकया आपकी नजर के सामने होगा कि जब एक जंग के दौरान हजरत मौला अली अपने दुश्मन के सीने पर चढ़ गए और करीब था कि वो उसको खत्म कर दें, इतने में उसने आपके चेहरे पर थूक दिया और इतना थूकना था कि वो हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम उसे छोड़ देते हैं, उसके सीने से उतर जाते हैं। उसने कहा कि अली, उसने इसलिए थूका था कि भाई ये मुझे मारने वाले हैं, लिहाजा एक नफरत में उसने थूका, तो अली तुमने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया? तो हजरत मौला अली फरमाते हैं कि तेरी और मेरी जो जंग थी वो दरअसल अल्लाह और उसके रसूल के लिए थी, लेकिन तूने मेरे चेहरे पर थूक कर उसे जाती बना दिया है, इसलिए अब अगर मैं तेरा कत्ल कर देता, तेरा काम तमाम कर देता, तो तारीख ये लिखती कि इस्लाम जो है वो इतना एक्सट्रीम रिलीजन है कि अगर कोई उसके ऊपर थूक देता है इंसान तो वो उसकी जान ले लेता है उसके जवाब। इसी तरह अपने बदतरीन दुश्मन, चाहे ताइफ में पत्थर बरसाने वाले लोग हों, चाहे उनके ऊपर कूड़ा डालने वाले और चाहे उनको गाली बकने वाले और बुरा कहने वाले लोग हों, रसूल करीम अलैहिस्सलाम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उस एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से नहीं दिया। और यहाँ तक के बदतरीन दुश्मनान इस्लाम जो लोग रहे उनके घरों को भी फतेह मक्का के बाद दारुल अमन करार देना, और कितना बड़ा कलेजा चाहिए कि एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जज्बाती फैसला है कि हिजरत के ईमान लाने के बाद भी आपने कहा कि मैं अपने चचा की कातिल को मैं चाहता हूं कि वो कभी मेरी निगाहों के सामने ना आए। तो आप देखिए कि एक ऐसी जालिम तरीन तारीख में, पूरी तारीख में, आज तक तारीख इंसानी में एक ऐसी जालिम तरीन औरत जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा का कच्चा कलेजा चबाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पूछ सकते, लेकिन उन्होंने हजरत बिलाल और हजरत उबैद पर पत्थर गर्म रखने वाले और उन्हें रेत पर लिटाने वाले और तवाइफ में जुल्म करने वाले लोगों के लिए भी जब हाथ उठाए तो उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि उनके लिए दुआ की। आज हमारा मामला ये है कि हमारी जात पर जहां हर पाता है और हमें लगता है कि हमारा जाती दायरा कोई तंग किया जा रहा है या नुकसान किया जा रहा है, तो हम अपनी जाती लड़ाई को मजहब की लड़ाई बना के शामिल कर देते हैं। मान लीजिए किसी भी इंसान से अगर कोई झगड़ा हो जाए, ऐसे ही हो रहा है। हमारा तरीका यह है कि हम कहते हैं कि मुझे मुसलमान होने के बाद टारगेट किया गया, मेरी दाढ़ी की इंसल्ट की गई, इस्लामी शहर की, मेरी टोपी की, मेरे कुर्ते पैजामे की। बल्कि कई मरतबा ऐसा होता है, हमने अपने मुल्क के अंदर देखा है कि लड़ाई दो लोगों की जाती होती है, लेकिन जब वो देखता है कि मैं शिकस्त खा रहा हूँ या मेरी गलती है और किस वजह से मैं लोगों को प्रोवोक कर सकता, मुझे सपोर्ट इंस्टेंट कैसे मिल सकता है, तो वो तुरंत अपने धर्म को खतरे में डाल देता है कि मुझे धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ढाल की तरह यूज कर टारगेट किया गया। तो ये तरीका इकराम सूफिया इकराम का नहीं था, ये जो एक्सट्रीम लेवल जो है वो दर आया है अपनी जाती मफाद के लिए, बल्कि अल्लाह और रसूल के रास्ते में हमारे कानों पर जू नहीं निकलती, हम अल्लाह और रसूल के रास्ते क्यों कि हम खुद अमल से बेगाना है। हमारा अगर आज की तारीख में मदरसा बनाने का अमल है तो उसमें ये मकसद पहले है कि इसको, इसकी मौरूसियत, इसकी विरासत जो है वो नस्लन बादा नस्लन चले। अगर वक्फ बोर्ड के अंडर में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी आमदनी ज्यादा है तो उसके लिए कोर्ट में केस चल रहे हैं तौलियत पे, उसका मुतवल्ली हर आदमी बनना चाहता है और उसमें बड़े बड़े मार्क और जो बड़े बड़े ताकतवर लोग होते हैं वो उससे जुड़े हुए होते हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल घराने हैं वो अपने इन्फ्लुएंस के जरिए, अपनी तंजीमों के जरिए वक्फ की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज पर कब्जा करते हैं
और उन प्रॉपर्टीज को बेचने का, उनमें मार्केट बनाकर बेचने का, उनमें फुटफुट करने का काम, हज कमेटीज में फुटफुट करने का काम, ये जितने मुसलमानों से जुड़े हुए इदारे हैं, जाहिर है कि उसमें नॉमिनेशन तो या उसके इलेक्शन तो भले हुकूमत की सरपरस्ती में होते हों, लेकिन जाहिर है कि उसमें फुटफुट जो भी करते हैं वो इसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। लेकिन अगर किसी मस्जिद या किसी मदरसे या किसी मकतब या किसी खानकाह या किसी मजार जिसकी आमदनी जीरो है या उसमें आमदनी के जराए नहीं है, तो शायद उसमें अजान देने के लिए या उसमें चराग जलाने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो हमने अपने दीन को मटेरियलिस्टिक अप्रोच का और जो मटेरियल इंटरेस्ट है उसको अचीव करने का जरिया बना लिया है कि हम दीन के शेल्टर में रहने के बाद और इस वजाकता में रहने के बाद लोगों को किस तरीके से अपना फॉलोवर बनाएं और उनको फॉलोवर बनाने के बाद अपने ज़ाती मुफाद के लिए किस तरह इस्तेमाल करें, अपने मुरीदों की तादाद किस तरह बढ़ाई जाए, अपने मदरसे का चंदा किस तरह से बढ़ाया जाए और अपने जो मकासिद हैं या वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से हासिल की जाए। जाहिर है कि इस चीज़ के लिए तसव्वुफ में कोई जगह नहीं है, इसलिए कि तसव्वुफ तो सेक्रीफाइस की बात करता है। तसव्वुफ में वही सेक्रीफाइस है जो सेक्रीफाइस इमाम हुसैन ने किया या जो सेक्रीफाइस मौला अली ने अपने ज़माने में किया था। तो या जिन सूफिया इकराम का हम जिक्र करते हैं, उन्होंने अगर लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की और हजारों साल गुजर जाने के बाद आज भी लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे बाबा फरीद हो, चाहे निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही हो, तो इन जगहों पर जो आज भी मखलूक खुदा का हजूम है, irrespective of caste, creed and religion, कितनी ही नफरतों की आवाजें उठें, कितना ही पॉलिटिसाइज हो जाए चीजें, सियासत अपना काम करती है, लेकिन हर अकीदे का मानने वाला, हर मजहब का मानने वाला अपनी मुरादों के लिए, अपने दिल और दिमाग के सुकून के लिए उनके दरबार में जाता है। माफ कीजिए, वो वहां बैठे हुए हम जैसे किसी भी इंसान के लिए नहीं जाता, बल्कि उन लोगों के दरबार में जाता है। बिल्कुल। एक यहाँ छोटी सी बात ज़िमनन आ गई है कि हिंदुस्तान में एक वक्त में जब काफी एक माहौल बड़ा कशमकश का था, उसके थोड़े ही वक्त बाद आरएसएस से वाबस्ता किसी लीडर को अजमेर शरीफ में घूमते हुए किसी मुसलमान ने देखा और उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ पर कैसे, तो उनका जवाब ये था कि जिस दिन आप पैसे हो जाएंगे, यानी गरीब नवाज का किरदार आपके अंदर हो जाएगा, हम आपके दरबार में भी आएंगे, हम गरीब नवाज के दरबार में आए, जिसको एक किसी हिंदुस्तानी शायर ने कहा कि हम खुद ही बना लेंगे, यानी इंसानों की आवाजें तो ये हैं कि हम खुद ही बना लेंगे इमाम आपको अपना, पहले किसी दरिया पे मुसल्ला तो बिछा लो। वाह वाह, बहुत खूब डॉक्टर साहब। ऑन अ पॉजिटिव नोट, देखिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे जहाँ से आपको पता है हम मुंसलिक हैं, जामे आरफिया से, जो इस सोच को, इस फिक्र को और इस रूहानियत को आगे लेके बढ़ रहे हैं ऑन एन इंस्टीट्यूशनल लेवल, तो उनको भी याद रखना और उनको उनका उनको भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इस नॉट ऑल नेगेटिव, ये बात भूल नहीं गई है, ये बात खत्म नहीं हो चुकी है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल्स के ऊपर ये भी चीजें हैं। और यू नो वो जो इंस्टीट्यूशन जो आपकी नजर में, थोड़ा सा उनके बारे में हमें बता दें। नहीं, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, काफी मेरे साथी हैं, बल्कि एक तो वहाँ तालीम देने वाले मौलाना जहांगीर हसन इस्पाही, वो मेरे हमदर्द साथी भी रहे हैं जामिया अशरफिया के। अच्छा। और मौलाना जीशान इस्पाही साहब हो, वो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमसे बात के हैं, लेकिन मैं कभी जामिया अरफिया अभी तक जा तो नहीं सका, हालांकि दो तीन मरतबा लखनऊ में भी और दिल्ली के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेरी वहाँ के कायद और रूहानी पेशवा हजरत अबू मियाँ साहब से बहुत अच्छी मुलाकात रही है। तो मैं उसे इस नज़रिए से देखता हूँ कि जिस तरह तकरीबन
अब से 50-60 साल पहले हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत शाह मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारकपुरी बानी जामिया अशरफिया की क़यादत में एक तालीम का नया निज़ाम सेटअप हुआ कि यहाँ अहल सुन्नत व जमात के अंदर तालीमी मरकजी जो इदारा था वो बरेली में मंजर इस्लाम था, और जो मरकजी शख्सियत थी वो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के साहबजादे मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की थी। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के आखिरी दिनों में उन्होंने जामे अशरफिया की सरपरस्ती फरमाई, और मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद जाहिर है कि उनमें वो मलका था कि वो तमाम उलमाए इकराम को जोड़ के रखते। तो अहले सुन्नत व जमात के अंदर जो एक मरकजी हैसियत थी वो जामिया अशरफिया की हुई, और दरसियात में जिस तरह किसी जमाने में मंदर इस्लाम या जामे नहमिया हुआ करते थे वेस्टर्न यूपी में, इसी तरह दरसियात में पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर नदवा और दारुलूम देवबंद का पहला अगर कोई इदारा अहले सुन्नत का बना तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर था, जिसने दरसियात में ट्रेंड सेट किया। अब माजी में 20वीं सदी के बाद एक नई अप्रोच जहां पर दीनी तालीम के साथ और दुनियावी जो जरूरी तालीम है उस तालीम के साथ खानकाही तहजीब भी सिखाई जा रही है, यानी अखलाकियात की तालीम। जाहिर है कि सर सैयद अहमद खां का भी वाहिद मकसद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्याम में ये था कि वहां से जहां अच्छे डॉक्टर इंजीनियर और अच्छे सोशल साइंटिस्ट निकले उसके साथ साथ वो अखलाकियात के भी मास्टर हों, यानी उनका इसलिए उन्होंने रिसाला तहजीब उल अखलाक वगैरह भी निकाला और अखलाकियात पर और जबान पर बहुत जोर रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुरू। इसी तरह जामिया अशरफिया के बाद तो बहुत सारे इदारे वजूद में आए, लेकिन इस सदी में और खास तौर से 20वीं सदी के बाद अगर हम पिछली एक दहाई में देखें कि जिस तेजी से वो इदारा तरक्की कर रहा है तो उसमें वो चीज़ एक साथ वापस आई है कि पहले जो इदारे हुआ करते थे वो किसी ना किसी खानकाह या दरगाह से मुंसलिक हुआ करते थे, तो मदरसे में तालीम हुआ करती थी और वो दरगाहों में और खानकाहों में वहाँ के लंगर से शिकमशेर हुआ करते थे और वहाँ पर उनका कयाम व ताम और रूहानी सरपरस्ती हुआ करती थी। तो जाहिर है कि उस दौर में हाफिज मिल्लत जैसे लोग और मुफ्ती आजम हिंद जैसे लोग पैदा हुए थे। इसी तरह इस दौर में जामिया अरफिया का ये कमाल जरूर है कि जिस तरह रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन तकरीबन 20 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खानकाहे मारेरा बरकातिया कादरिया के जरिए वजूद में आया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, इसी तरह सैयद सराबा की खानकाह के जरिए जो इदारा वजूद में आया वहां के लोग अच्छी किताबें लिख रहे हैं, लिटरेचर को जो हमारा पुराना लिटरेचर है उसे नए जाविये से मुरतब कर रहे हैं, और जो आज के दौर के सवालात हैं उन आज के दौर के सवालात को न सिर्फ ये कि एड्रेस कर रहे हैं बल्कि 21वीं सदी के जो तकाजे हैं उन तकाजों से हम अहम होने के बाद और इंडियन कंपोजिट कल्चर को नजर में रखते हुए, यानी वही जो दस्तूर मिसाक़े मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो एक तरफ वो तलाबा के लिए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे भी खोल रहे हैं और तलाबा को दीनी और फिक्री तालीम के साथ साथ रूहानी और तहजीबी तालीम से भी आरास्ता और हक की आवाज उठा रहे हैं और हक की आवाज उठा रहे हैं और हक की आवाज उठाने की तालीम दे रहे हैं। जी 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 बेशक। तो जाहिर है कि हक की आवाज हर दौर में कमी लोग उठाते हैं और उसकी मुखालफत कोई भी जो रिफॉर्म होता है, आप तारीख पढ़िए मुसलमानों की तो करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद से ज्यादा लोग नहीं थे, अक्सरियत जो है वो यजीद के साथ थी, हक की आवाज इमाम हुसैन उठा रहे, बल्कि बहुत सारे बेईमान किस्म के तारीख निगार ऐसे भी हैं, यहाँ अकबर शाह नजीबाबादी लिखता है कि भाई वो इमाम हुसैन का खुदकुशी के मुतरादिफ था माजल्ला, और बद्र में भी हक की आवाज उठाने वाले कमी लोग थे। तो हर दौर में अहद रिसालत से लेके आप देखिए कि वो हक की आवाज उठाने वाले लोग
कम होते हैं। गरीब नवाज भी जब आए तो वो उस मकाम पर तनहा थे और अक्सरियत उनके साथ नहीं थी। और सर सैयद अहमद खान ने भी जब मॉडर्न एजुकेशन के रिफॉर्म की तरफ कदम रखा तो उन पर न सिर्फ ये कि उलमाए देवबंद ने तकरीबन 100 या उससे ज्यादा फतवे दिए उनके खिलाफ, बल्कि उनको कत्ल करने की साजिश भी एक जगह की गई बिजनौर के अंदर, और वो रातों रात जंगलों में पैदल भाग के किसी सूरत से दिल्ली पहुंचे। इसी तरीके से जब जब कोई रिफॉर्म की आवाज, अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म की हम बात करें तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि तकसीम की मुखालफत में जो रवैया मौलाना अबुल कलाम आजाद का था वो यकीनन हिंदुस्तानी परस्पेक्टिव में और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी भी मुखालफत की गई, सर सैयद अहमद खान की भी मुखालफत की गई। और जब भी लोग खड़े होते हैं, आप देखिए कि मंसूर की भी, मंसूर हल्लाज की भी मुखालफत की गई थी और उन पे भी पत्थर बरसाए गए थे, और उन्हें अफसोस ये हुआ कि वो जो भीड़ जो पत्थर बरसा रही थी उनको, उसमें हजरत शिकली भी थे, उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे मकाम से वाकिफ हो इसलिए मुझे तुम्हें देख के ताज्जुब है, और उन पर फतवा भी जाहिर है कि हजरत जुनैद बगदादी ने, जाहिर है कि फतवे की अपने दौर में कुछ नजाकतें होती। तो यही तरीका है कि जिस इसी तरह जब जामिया अशरफिया बना था तो जामिया अशरफिया की भी मुखालफत उसी तबके से, यानी किसी दूसरे मसलक के लोगों ने नहीं, बल्कि उसको मुखालफत के लिए उसी मसलक के लोग कोर्ट में पहुंच गए थे, और एक अहले तशी जज थे जस्टिस सैयद मुर्तजा हुसैन उस वक्त आजमगढ़ के, उन्होंने कहा कि भाई क्या बनाना चाह रहे हैं कि मदरसा, उसमें अल्लाह रसूल का नाम ही तो लिया जाएगा। उन्होंने कहा फिर तो ये इदारा जरूर बनना चाहिए, और उनके शुक्रिया के लिए हुजूर हाफिज मिल्लत जो है वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर जज साहब का गए थे। तो इसी तरीके से जामिया अशरफिया की मुखालफत हुई, इसी तरीके से आज जो है वो जामिया अरफिया की भी मुखालफत है। लेकिन जो नई नस्ल है, मैं ये उसमें देख रहा हूँ कि जिस तरह नई नस्ल ने जो इल्म के मुतलाशी थे, दरसियात थे, उन्होंने जामिया अशरफिया का रुख किया था, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के हों या हिंदुस्तान में किसी भी जगह के हों, आज बहुत सारी बड़ी तादाद जो है वो यूनिवर्सिटीज में जा रही है। इसी तरीके से लोग बहुत तेजी से जामिया अरफिया से और सैयद सरामा से जुड़ रहे हैं, और इसी तरीके से 20 साल पहले तक चंद उलामाए किराम खास तौर से मदारिस के कुछ बड़े उलामाए किराम माहरा शरीफ से मुतासर होते थे, लेकिन आज मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने वाले लोग ज्यादातर यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता अहले सुन्नत के जो अफराद हैं वो जब से अलबरकात कायम हुआ है उनके साथ भी ज्यादा जुड़ रहे हैं। यानी जब भी समाज के लिए रिफॉर्म का काम किया जाए तो वो अपनी जगह बनाएगा, इसलिए कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो समाज से कुछ लेते हैं सिर्फ लेकिन समाज को उनके बदले में कुछ नहीं देते, उनको लोग इस दुनिया से जाने के बाद याद नहीं करते। दूसरा तबका एक की जिंदगी जीता है, समाज से कुछ लेता है और उसके जवाब में कुछ देता है, उन्हें लोग कुछ दिन तक याद करते हैं। और तीसरा तबका वो है जो समाज को सिर्फ कुछ देता है, समाज से कोई तवक्को और तलब नहीं रखता, उनको लोग सदियों तक और बरसों बरस तक याद रखते हैं, जिसमें अंबिया इकराम, सूफिया इकराम, अहले बैत अतहार, उनके बुजुर्गान दीन की शख्सियात आती। तो जिस जगह भी रोशनी होगी, जाहिर है कि अंधेरों से बचने के लिए रोशनी के मुतलाशी वहां पर जाएंगे, जहां पर इल्म और अमल होगा वो एक ना एक दिन, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है उसे चरावे सहरी दिखाकर न चुड़ाया जा सकता है न उसे खत्म किया जा सकता है। तो वो एक शेर है किसी का कि सियाह रात की तारीखियों के रखवालों, तुलुए महरे जहां ताप कौन रोकेगा। तो जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो पूरी दुनिया को बता देता है कि रोशनी हो चुकी है और अब तारीकी की हुकूमत बहुत देर नहीं रहने वाली। तो मैं इस वक्त का रिफॉर्म मानता हूं, चाहे वो खानकाह बरकातिया के जरिए चलने वाला अल बरकात स्कूल हो जो अपने वक्त का बेहतरीन स्कूल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, या चाहे मदारिस में नए दौर में नए नजरियात के साथ, नई फिक्र के साथ और नए तहजीबी रवैयों के साथ, और अपनी बात को बिना डर और खौफ के सदाकत को आगे बढ़ाने वाला जामिया अरफिया और वहाँ के उलमाए किराम हों, जो मेरे ज्यादातर उसमें बेशतर कुछ दोस्त
हैं, कुछ साथी हैं कि यहीं से नई रोशनी आएगी और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने हिस्से का काम करें बिना ये सोचे हुए कि इससे किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, किसे फायदा पहुंचेगा या किसे नुकसान पहुंचेगा, बल्कि अगर हमारे सामने अल्लाह और उसके रसूल की शख्सियत होगी कि अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी जिस काम में है, तो यकीनन हम रिफॉर्म लाने में कामयाब होंगे और लिबरेटेड होंगे। सही माना में जो फिक्री आजादी है वो इसी का नाम है। फिक्री आजादी लिबरलिज्म उसका नाम नहीं है कि आप अपने मजहब या मजहबी शियार का मजाक उड़ाने लगे, बल्कि फिक्री आजादी ये है कि आप हक बात कहने में दुनिया के लोगों का खौफ ना खाएं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जो रूमी ने कहा कि तू बराए फसल करदा ना मदी, नह बराए फसल करदा ना मदी, यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट द पीपल नॉट टू मेक देम डिवाइड। तो हमें यूनिटी पर काम करना है, रिफॉर्म पर काम करना है। और अपनी गुफ्तगू में आखिर में ये शेर जरूर जिगर मुरादाबादी का कहूंगा कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो तसव्वुफ का जो पैगाम है सूफिया इकराम का, वो मोहब्बत है, वो सेवा है, वो लोगों की खिदमत है और खिदमत का जज्बा है, चाहे वो रूहानी हो, प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, और रूहानियत के मुतलाशी जो आए उनकी सही गाइडेंस करना, ये अहले तसव्वुफ का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग तसव्वुफ के जामे में और मजहबी जामे में सियासत के नजर हो गए हैं और अपने सियासी मफादात के लिए वो सियासत पर लेक्चर दे रहे हैं, और जो सियासी रहनुमा होते हैं वो अपने मफादात के लिए मजहब पर लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ पर नेता जो है वो मजहब का काम करने लगा है और जो मजहबी हजरात हैं वो सियासी काम करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम तमाम अपने अपने दायरे कार और अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक अपने काम करें, जो चीज हमें नहीं आती है वो उन लोगों से सीखने में झिझक ना करें जिनको आती है, और जो चीज हमें आती है वो उन लोगों तक पहुंचाने में बुखल ना करें जिनको नहीं आती है, तो फिर ये दुनिया यकीनन बहुत खूबसूरत हो जाएगी और 21वीं सदी इंसानियत के इंकलाब की सदी होगी, जहां पर हम शांति होगी, भाईचारा होगा, यूनिटी होगी, इत्तेहाद होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन, और यही इंसानियत है, यही तसव्वुफ है और यही ईमान और इस्लाम। आमीन। बहुत खूब, आपने बहुत ही एनलाइटेंड आपने बयान दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही कर रहे हैं, हमने यहाँ छोटी सी काविश शुरू की है अमरीका में, औलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो जामे आरफिया से इंस्पायर होके उनकी पैरवी करके उनके जो काम है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, इंसानों को जोड़ने का काम और अपने तसव्वुफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आगे बढ़ाने का काम, ताकि हम सब, जैसे आपने कहा कि यू नो वी एटलीस्ट लुक फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग अ बेटर प्लेस ऑन द प्लैनेट। शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुबारकबाद देता हूँ औलिया काउंसिल को, और मुबारकबाद देता हूँ जामिया आरफिया को भी कि वो सात समंदर पार उनका काम और उनका अमल जो है वो हिंदुस्तान से निकलकर अब अमेरिका तक पहुंच गया है और वहां से काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अजीज की जो चराग है उसकी उसकी रोशनी सूरत की तरह बढ़ती चली जाएगी। मैं आपका फिर डॉक्टर मेहदी काजमी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, औलिया काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिस्कशन के लिए मुझ नाचीज तालब इल्म को इस मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने तमाम नाजरीन को फिर सलाम और आदाब पेश करता हूँ।